शरद पवार को मिला उद्धव ठाकरे का साथ, कहा जल्द बरी हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा इमरान खान कार्टून बनाने वालों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। अमित शाह ने छोड़ा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद, दिया इस्तीफा। इमरान खान के झूठ को भारत ने किया बेनकाब, यूएन में कहा आतंकियों को पेंशन दे रही पाकिस्तान की सरकार। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में 3 आतंकवादी ढेर, श्रीनगर के नवाबदल में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है शरद पवार कोर्ट से जल्द बरी हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पवार पर एफआईआर करवा रही है, तो वहीं शिवसेना इसे इतर बयान देकर पवार को बचाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि राज्य की आर्थिक अपराध शाखा की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने पिछले महीने एक केस दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी भी शरद पवार और अजीत पवार सहित कई नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर इमरान कार्टून बनाने वालों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में माझगांव डॉक्स में भारत की दूसरी स्कॉर्पिन क्लास अटैक पनडुब्बी के शामिल होने के अवसर पर ये टिप्पणी की। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे प्रगतिशील कदमों को जब वैश्विक समर्थन मिल रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दर दर पर जाकर कार्टून बनाने वालों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने भारत के एक महाशक्ति के रूप में उभरने को दर्शाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वो इस पद पर साल 2014 से थे। उनसे पहले ये पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पद छोड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और लोढ़ा समिति के सुधारों के आदेश के अनुरूप इस्तीफा दिया है, जिसमें कहा गया था कि इस पद के लिए मंत्री और लोक सेवक अयोग्य हैं। अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली रहेगा। इसी बीच धनराज नाथवानी ने भी जीसीए के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरों की माने तो अब वो शाह की जगह ले सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए किसी तत्काल उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। भारत ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हर दावों की बखिया उधेड़ दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने राइट टू रिप्लाई के तहत इमरान खान के भड़काऊ बयान का जवाब दिया है। विदिशा ने कहा कि इमरान खान ने जो कुछ भी कश्मीर को लेकर कहा वो झूठ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भड़काऊ बयान दिया। विदिशा मैत्रा ने कहा क्या पाकिस्तान ये स्वीकार करेगा कि पाकिस्तान की दुनिया एकमात्र सरकार है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित अलकायदा और अन्य आतंकियों को पेंशन देती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यूएन के मंच का दुरुपयोग किया है और गुमराह करने की कोशिश की है। मैत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने खुले आम आतंकी ओसामा बिन लादेन का बचाव किया था। जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद और उसके खिलाफ सुरक्षा बलों से जुड़ी 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। गांदरबल में सुरक्षा बलों ने सुबह से चल रही मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके। वहीं रामबन में 2 संदिग्ध आतंकियों ने एक बस रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। ऑपरेशन अब भी जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल के नारानाथ के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। तीनों के विदेशी होने की संभावना है। सुरक्षा बलों ने खुफिया सूचना मिलने के बाद आज तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।
इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो गई।